नमस्कार साथियों सी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन हमने अपने पिछले व्याख्यान में कहानी क्या है कहानी और कथा में क्या अंतर है और हमारी हिंदी साहित्य में साहित्यिक गद्य विधा के रूप में पहली कहानी किसे माना जाए इस पर चर्चा की थी आज हम इस व्याख्यान में कहानी के विकास पर बात करेंगे हिंदी का हिंदी कहानी का विकास किस रूप में हुआ जिस तरह से काव्य के क्षेत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का वर्गीकरण युग द्विवेदी युग छायावाद नई कविता आदि के रूप में होता है उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में भी वर्गीकरण रहा है नाटक के क्षेत्र में प्रसाद को आधार बनाते हुए प्रसाद पूर्व नाटक प्रसाद युगीन नाटक प्रसाद उत्तर नाटक की बात की जाती है इसी तरह से कथा साहित्य के क्षेत्र में कहानी और उपन्यास इन दोनों ही क्षेत्रों में प्रेमचंद केंद्र में रहे जो कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं तो प्रेमचंद को आधार बना करके क्योंकि प्रेमचंद ने कहानी को एक नया नई दिशा प्रदान की एक नया स्वरूप दिया और कहानी विधा प्रसिद्धि लोकप्रियता मुंशी प्रेमचंद के कारण ही मिली चाहे कोई शिक्षित है अशिक्षित है साहित्य का विद्यार्थी है साहित्य इतर विधा का विद्यार्थी है प्रेमचंद की कहानी और प्रेमचंद से सभी परिचित हैं। तो प्रेमचंद को आधार बनाते हुए हिंदी कहानी का जो विभिन्न चरण थे उनका वर्गीकरण किया गया, गया प्रेमचंद पूर्व कहानी प्रेमचंद युगीन कहानियां और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी प्रेम उत्तर हिंदी कहानी के बाद भी आगे वर्गीकरण मिलता है स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी फिर आगे जब हिंदी कहानी में अनेक आंदोलन चलने लगते हैं समांतर कहानी अ कहानी इस तरह से जो फिर आगे विमर्शों में कहानी चलने लगती है तो वो कहानी के आगे अलग अलग वर्गीकरण हो जाते हैं जिसको एक व्याख्यान में समेटना संभव नहीं है तो हम विभिन्न चरणों में इन कहानी के विविध रूपों पर बात करेंगे तो आज की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा रहेगा मुंशी प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी का क्या स्वरूप रहा और उनसे पूर्व के कहानीकार कौन कौन से रहे अब प्रेमचंद से पूर्व प्रेमचंद ने कहानी में लिखना जब प्रारंभ किया वो यद्यपि वो छायावाद वाला समय कहलाता है 1918 से 1936 वाला समय पर उससे पूर्व भी प्रेमचंद की कुछ कहानियां मिलती हैं जिसे हम प्रेमचंद पूर्व वर्ग में ही शामिल करेंगे प्रेमचंद से पूर्व जो भारतेंदु युग था या द्विवेदी युग था उनकी हम बात करें तो भारतेंदु युग में कहानी उस रूप में नहीं मिलती जो 1900 के बाद से मिलती है 1900 कहानी का आरंभ बिंदु माना जाता है हिंदी साहित्य जगत में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद और उसके बाद इंदु पत्रिका आई हिंदू गल्पमाला पत्रिका आई जिनसे जिनमें ये कहानियां प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य विधा के रूप में कहानी प्रचलित हुई अगर हम भारत 1900 से पहले की देखें आरंभिक चरण के रूप में देखें तो हमें सबसे पहले कहानी मिलती है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना जो 1867 में 1867 में लिखी गई और फिर वामा मनोरंजन 1886 में रची गई यद्यपि इससे बहुत पहले 1803 में इनशाला खां की रानी केतकी की कहानी है पर उसके बाद एक लंबा व्यवधान आया तो 1867 से सिक्सटी सेवन से फिर आगे ये कहानी विधा जो है वो निरंतर चलने लगती है उसके आगे हम देखते हैं चंडी प्रसाद सिंह हुए जिनकी कहानी थी हास्य रत्न जो अठारह छियासी में रची गई भारतेंदु हरीशचंद्र नाटक में निबंध लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा अब कविता के क्षेत्र में योगदान रहा परंतु भारतेंदु हरीशचंद्र और उनके समकालीन अन्य जो मंडल के कवि रहे लेखक रहे उन्होंने कहानी विधा को नहीं अपनाया इस युग में कहानी विधा उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई जितनी अन्य गद्य नाटक विशेष रूप से लोकप्रिय हो पाए परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं एक कहानी लिखी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रणयिनी परिणय 1887 में लिखा जिसे पहली कहानी भी मानते हैं कुछ विद्वान ऐसे ही अंबिका दत्त व्यास जिन्होंने संस्कृत में रचना की और उन्होंने खड़ी बोली में कथा कुसुम कलिका 1888 में रचना की तो ये आरंभिक चरण 1900 से पहले का चरण वे कहानियां जो एक बीज रूप में प्रारंभ हो रही थी जो परवर्ती कहानियों के लिए एक जमीन तैयार कर रही थी एक नींव का कार्य कर रही थी तो एक नींव के पत्थर के रूप में इन कहानियों का भी एक बीज रूप में भी इन कहानियों का अपना एक योगदान है पर वास्तव में एक साहित्यिक गद्य विधा के रूप में जो एक तात्विक दृष्टि से कहानी रचना की गई जो एक शिल्प की दृष्टि से कहानी में हमें परिवर्तन दिखाई देता है वह दिखाई देता है 1900 में सरस्वती पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियों से जिसे हम द्विवेदी युगीन हिंदी कहानी भी कह सकते हैं प्रारंभिक कहानियां भी कही जाएंगी द्विवेदी युगीन हिंदी कहानी भी कह सकते हैं और प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी भी इसे कहा जाता है तो तीनों प्रकार से कहानियों की यह चर्चा की जाती है जिसमें सर्वप्रथम कहानी छपी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशन का प्रकाशन ही 1900 में प्रारंभ हुआ था 1903 में फिर आगे चल के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादन का कार्यभार संभालते हैं और इसी पत्रिका में ही 1900 में ही उनकी दूसरी कहानी गुल बहार छपी परंतु इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी माना पर कई विद्वानों ने उसे शिवदान सिंह आदि ने इंदुमती कहानी को मौलिक कहानी नहीं माना वे उसे बंगला की छाया मानते हैं। वे उसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद मानते हैं। तो इसलिए वो उसे भले ही आचार्य शुक्ल जी ने इंदुमती को पहली कहानी माना मौलिक कहानी माना परंतु बाद में चलकर के शिवदान सिंह आदि ने अनेक विद्वानों ने इसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद मानते हुए हिंदी की पहली मौलिक कहानी नहीं स्वीकार किया इसके पश्चात आते हैं केशव प्रसाद सिंह जिनकी एक कहानी थी चंद्रलोक की यात्रा जो 1900 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में ही यह काल्पनिक यात्रा वर्णन है परंतु यह कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई लोकप्रिय हुई और यह हिंदी की पहली विज्ञानिक कहानी मानी जाती है चंद्रलोक की यात्रा भले ही उसमें कल्पना क्या प्रधानता है एक काल्पनिक लोक का वर्णन है परंतु हिंदी साहित्य जगत में वैज्ञानिक कहानियों का प्रारंभ इस कहानी से माना जाता है और इन्हीं की एक दूसरी कहानी रही आपत्तियों का पहाड़ जिसमें स्वप्न कल्पनाओं के रूप में एक कहानी का ताना बाना बुना गया उसकी रचना की गई तो एक काल्पनिक कहानी है इसी तरह से माधव प्रसाद मिश्र ने पुरोहित का आत्मत्याग ये इनकी कहानी मिलती है जो 1900 में रचित है और मन की चंचलता ये भी इनकी कहानी रही तो हम देखते हैं 1900 में कई कहानियां सरस्वती पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुई फिर 1902 में लाला भगवान दिन की कहानी थी प्लेग की चुड़ैल प्लेग की चुड़ैल में प्लेग के समय किस तरह से मानवीय संवेदनाएं चूर चूर हो गई किस तरह से संवेदनहीनता की स्थिति हो गई उसका चित्रण यथार्थ चित्रण इस कहानी में मिलता है वर्तमान में भी हमने कोरोना के समय में ये स्थिति देखी पति अपनी पत्नी को रुग्णावस्था में छोड़ करके और जाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और वे मृत नहीं है वे मूर्छित हो गई है परंतु उसे डॉक्टर भी देखता नहीं और मृत घोषित कर देता है और उसको पानी में बहा दिया जाता है और वे जिंदा है और जब वे गंगा का पानी पी करके और किनारे पर लग जाती है और उसे चुड़ैल मान लिया जाता है तो कैसे रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति हो गई उसको आधार बनाकर इस कहानी की रचना 1902 में लाला भगवान दी की फिर एक कहानी 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई ये कहानी भी लोकप्रिय रही और इस कहानी को पहली मौलिक कहानी के रूप में भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने स्वीकार किया ऐसे ही गिरिजा दत्त वाजपेयी ने पति का पवित्र प्रेम 1903 में इस कहानी की रचना की सुदूर काल्पनिक चरित्रों को लेकर लिखी गई एक संवेदना परक कहानी है ये और इन्हीं की एक और कहानी है 1903 में रची गई पंडित और पंडितानी ऐसे ही कार्तिक प्रसाद खत्री ने दामोदर राव की आत्म कहानी लिखी और जो भारतेंदु काल में साहित्य की अन्य गद्य विधाओं का विकास हुआ रेखा चित्र का जीवनी का आत्मकथा का, का तो उसका बीज हमें इस दामोदर राव की आत्म कहानी में मिलता है आत्मकथा के रूप में ये रची गई है तो प्रारंभिक आत्मकथाओं में इस कहानी का विशेष रूप से योगदान रहा लक्ष्मी नारायण लाल इन आरंभिक कहानियों के बारे में उनकी विशेषताओं को जो देखते हैं इन कहानियों की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छाया अनुवाद है कुछ भावानुवाद है और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में से प्रायः अधिकांश कहानियां अपने लक्ष्य की ओर अवश्य प्रेरित है तो शिल्प की दृष्टि से हम देखते हैं कलात्मकता की दृष्टि से देखते हैं वर्तमान में कहानियों को जिस तरह से देखते हैं जिस तात्विक समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये प्रारंभिक कहानियां खरी नहीं उतरती हैं परंतु एक बीज रूप में एक प्रारंभिक स्थिति के रूप में इन कहानियों का महत्व रहा है भले ही वे एक प्रारंभ था परंतु आरंभ नहीं होगा तो वो विकास कैसे होगा तो उस ये इन कहानीकारों के अपने प्रयोग रहे, भले उन्होंने बंगला की छाया ली या संस्कृत के भाव लेकर के उसका अनुवाद किया या अंग्रेजी का अनुवाद किया कलात्मक दृष्टि से ये उतनी सफल कहानियां नहीं मानी जाती हैं। परंतु आरंभिक कहानियों के रूप में इनका विशेष योगदान रहा है इसी तरह से सूर्य नारायण दीक्षित ने एक कहानी की रच उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई 1906 में चंद्रहास का अद्भुत आख्यान वेंकटेश नारायण की एक असरफी की राम क, आत्म का आत्मकथा ऐसे ही बंग महिला राजेंद्र घोष राजेंद्र बाला घोष नाम है उनका परंतु उस समय कई ऐसे कहानीकार हुए जिन्हें छद्म नाम से कहानी रचना की और प्रेरण जैसे मुंशी प्रेमचंद स्वयं धनपत राय के नाम से कहानी की रचना करते हैं उनका जो पहला कहानी संग्रह उर्दू में प्रकाशित हुआ सौजे अंग्रेजों द्वारा जब्त भी कर लिया गया था वो भी छद्म नाम से था बाद में वो प्रेमचंद के नाम से कहानी लिखने लगे थे ऐसे ही राजेंद्र बाला घोष ने भी बंग महिला नाम से कहानी लिखी दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई और ये कहानी अत्यधिक लोकप्रिय भी रही कहानी तात्विक दृष्टि से भी इसको कलात्मकता की दृष्टि से भी एक मौलिक कहानी के रूप में एक सफल कहानी के रूप में माना गया और कहानी के प्रारंभिक बीज इस कहानी में मिलते हैं इसलिए कई विद्वानों ने इसे पहली कहानी माना हिंदी की प्रथम कहानी माना और ये कहानी 1907 की सरस्वती पत्रिका के भाग आठ में प्रकाशित हुई कहानी हास्य सृजन की परंपरा से हटकर है यद्यपि इसमें हास्य है पर वे हास्य गौण रूप रूप में आया है मूल रूप से सामाजिक एक समस्या को उठाया गया है मौलिकता और कल्पनाशीलता इन दोनों का अद्भुत संगम हमें इस दुलाई वाली कहानी में मिलता है शिल्प की दृष्टि से भी यह कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है और पहली मौलिक कहानियों में इसकी गिनती होती है और इस कहानी में काशी और उसके आसपास के पूरे जनजीवन को स्त्री पुरुष की सोच को उनके मनोभावों का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है काशी के दशाश्वमेध घाट से कहानी शुरू होती है और इलाहाबाद तक जाकर समाप्त होती है तो वो दुलाई वाले एक घूंघट की परंपरा से एक मोटी चादर को बोलते हैं दुलाई तो वो ओढ़े हुए वो स्त्री कैसे काशी से इलाहाबाद तक की यात्रा करती है और अपने मायके जाते हुए और उनकी समस्याओं से निकलती है तो पूरा एक स्त्री और पुरुष की सोच का अंतर उनके मनोभावों में अंतर ये इस कहानी में उद्घाटित होते हैं जिस जिसका प्रभाव परवर्ती कहानियों पर पड़ता है इसी तरह से वृंदावन लाल वर्मा हुए जिन्होंने 1909 में राखी बंद भाई इस कहानी की रचना की और ये कहानी हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है ऐसी नकली किला कहानी है तातर और एक वीर राजपूत 1910 में इसकी रचना हुई तो हिंदी वृंदावन लाल वर्मा बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में उनकी पहचान हुई विराटा की पद्मिनी झांसी की रानी पर और गढ़कुंडार आदि अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों की वे रचना करते हैं और पहली ऐतिहासिक कहानी उनकी राखी बंद भाई पन्ना के जीवन चरित्र को आधार बनाते हुए उन्होंने ये कहानी की रचना की भले ही उसमें कल्पना कांच है पर ऐतिहासिकता है तो ऐतिहासिक कहानी के प्रारंभिक रूप में इनका स्थान महत्वपूर्ण रहा इसी तरह से राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने कानों में कंगना इस कहानी की रचना की जो 1913 में प्रकाशित हुई और एक और इनकी कहानी थी बिजली ऐसे ही विश्वम्बर शर्मा उनकी रक्षाबंधन कहानी भी 1913 में प्रकाशित होती है और आरंभिक कहानियों के दौर में एक प्रसिद्ध नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जिन्होंने मात्र तीन ही कहानियों की रचना की परंतु तीनों ही कहानियां इतनी प्रसिद्ध हुई लोकप्रिय हुई और प्रेरणास्पद रही परवर्ती कहानीकारों के लिए एक दिशा निर्देशक का काम भी इनकी कहानियों ने किया उनकी तीन कहानियां थी सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन उनकी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई उसने कहा था 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई और बुद्धू का कांटा जो एक कन्या के विवाह के पश्चात अपनी चंचलता खो देने और केवल पालतू बहु बन जाने की मर्मस्पर्शी कथा कहती है कि स्त्री को स्वतंत्र रहने का स्वाधीन रहने का अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार नहीं है वो चंचल नहीं हो सकती तो एक काल्पनिक स्त्री को पात्र एक कन्या को पात्र बनाकर जो अपने यौवन काल में अत्यधिक चंचल स्वभाव की थी स्वतंत्र वृत्ति की थी पर विवाह के पश्चात कैसे उसके जीवन परिवर्तित होता है तो उसके उस जीवन की मर्म स्पर्शी कथा इस कहानी में चित्रित की गई है इसी तरह उसने कहा था जो कहानी है ये पूर्व दीप्ति के रूप में फ्लैशबैक के रूप में रची गई है ये कहानी आगे चल करके प्रसाद के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है प्रसाद इस कहानी के माध्यम से प्रसाद भी इसी विधा को फ्लैशबैक की विधा को आगे चल करके अपनाते हैं उसने कहा था का कथा, कथानक बड़ा सुगठित है कुतूहल से युक्त है पात्रों का चरित्र चित्रण बड़ा स्वाभाविक रूप से किया गया है पात्रों के संवाद भी उनके अनुकूल है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की बहुत प्रशंसा की है उन्होंने इस कहानी की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है केवल झांक रहा है देखिए यहां पर कहानी प्रेम संबंध को लेकर के लिखी गई है आठ साल का ब... कन्या है और 12 साल का वो बालक है और अमृतसर के बाजार में दोनों मिलते हैं और उनका परस्पर संवाद होता है और बाल्यकाल में ही उनमें प्रेम का प्रस्फुटन होता है जो दोनों ही नहीं जानते हैं और बड़े हो करके वो सूबेदारनी बनती है और वो बच्चा लहना सिंह बनता है और युद्ध भूमि में जाता है और वहाँ सूबेदारनी ने उसको जाते हुए ये कहा था मेरे पति का और मेरे पुत्र का ध्यान रखना उसने कहा था बस इस बात को लेकर के ये पूरा एक प्रेम का ढांचा एक प्रेम की कहानी बुनी गई है जिसमें कहीं कोई वासना की गंध नहीं है एक उदात प्रेम का स्वरूप इस कहानी में प्रकट होता है निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं है कहीं पर भी किसी विरह का वर्णन नहीं है कहानी में कहीं प्रेमी की निर्लजता प्रल्ब वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं तो इस तरह से उसने कहा था कहानी मील का पत्थर साबित हुई और ये कहानी अभी पाठ्यक्रम में भी बीए के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी लगाई गई है उसके पश्चात आते हैं जयशंकर प्रसाद यद्यपि प्रसाद प्रेमचंद युगिन कहानीकारों में है परंतु इनकी प्रारंभिक कहानी ग्राम जो है वो इंदु पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई और ग्राम प्रसाद जी की प्रथम कहानी है और ये कहानी कम रेखा चित्र अधिक है इसके अतिरिक्त चंदा रसिया बालम मदन मृणालिनी तान ये कहानियां भी प्रसाद जी की इस आरंभिक युग की कहानियां मानी जाती हैं और इन प्रारंभिक कहानियों का, का कहानी संग्रह छाया 1912 में प्रकाशित हुआ प्रारंभ में ये पांच कहानियां ही उसमें संकलित की गई थी पर बाद में उसमें छह कहानियां और जोड़ी गई और ग्यारह कहानियों का संकलन छाया प्रारंभिक कहानी संग्रह के रूप में जाना जाता है इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जिनकी जो प्रारंभिक कहानियां वो 1915 से पहले जो रची गई वे पहली कहानी है 1910 में बड़े घर की बेटी और 1913 में नमक का दारोगा की रचना की और 1915-16 में ही पंच परमेश्वर और आत्मा राम की रचना की तो ये मुंशी प्रेमचंद की पहली जो कहानियां हैं ये आरंभिक दौर की कहानियां है जिनमें आदर्श अधिक है यथार्थ कम और आदर्श पर ज्यादा बल है बाद में चल करके प्रेमचंद जो है वो यथार्थ की ओर बढ़ते हैं उनकी हम कफन कहानी देखते हैं पूज की रात कहानी देखते हैं तो यथार्थोन्मुख आदर्श की बात करते हैं कहीं आदर्शोन्मुख यथार्थ की बात करते हैं तो जब हम प्रेमचंद की कहानियों के पर समीक्षा करेंगे उन पर बात करेंगे तब हम उनकी कहानियों की चर्चा करेंगे तो ये तो मित्रों आज हमने अभी बात की आरंभिक चरण की कहानियां जो प्रेमचंद युग से पूर्व रचित अर्थात 1915 तक रचित कहानियों की चर्चा की जिनमें जिन कहानियों की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उन ये कहानियों में इनके प्रकाशन में सरस्वती पत्रिका का इंदु पत्रिका का इंदु गल्पमाला पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रही ये कहानियां आदर्शात्मक रही उपदेशात्मक रही मनोरंजन प्रधान रही घटना प्रधान कहानियां थी कहीं कहीं कल्पना थी तो काल्पनिक कहानियां थी इनका कथानक व्यवस्थित रहा भाषा का आरंभिक रूप हमें इन कहानियों में देखने को मिलता है वस्तु विधान की दृष्टि से कथा शैली की दृष्टि से यह विधा विकास के पथ पर अग्रसर थी और इस प्रकार से आरंभिक कहानियों के रूप में कहानियों के लिए एक भूमि तैयार करने की दृष्टि से इन कहानियों का विशेष तो योगदान रहा दो मित्रों आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं अगली बार हम बात करेंगे प्रेमचंद युगीन कहानियों पर और प्रेमचंदोत्तर कहानियों पर धन्यवाद